यह है ओराइमो का OEB E54D स्पोर्ट्स वायरलेस ईयरफोन। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे कि ये बेस्ट बाय है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम AK मिश्रा, आप सभी का स्वागत है के रिव्यूज में। लेट्स बिगिन। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे हमें इसमें क्या क्या कंटेंट मिलती है। सबसे पहले हम इसका और ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका मॉडल नंबर है OEB E54D और इसमें जो प्राइस मेंशन है 3499, बट ये आपको बिलो 2000 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके साथ हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। और मिलता है USB टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल और कुछ ईयर टिप्स। ये सब को हम साइड में रखते हैं। और इसमें राइट एंड लेफ्ट क्लियर मेंशन है। राइट साइड में इसका कंट्रोल दिया गया है, यह है ऑन ऑफ स्विच, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम डाउन एंड मेन्यू की। और यहाँ पर दिया गया है इसका चार्जिंग पोर्ट। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे और आपको डिटेल्स रिव्यूज़ देंगे। ओराइमो का E54D अब इसे इस्तेमाल करते हुए मुझे 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और इसको मैं कम्प्लीटली 0 to 100% फुल चार्ज करके इसका कम्प्लीट यूज़ किया एंड फिर से इसको फुल से चार्ज किया, जिस बैटरी डिस्चार्ज होने के लिए लगा 6 to 7 hours और फुल्ली चार्ज होने के लिए लगा है 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटे तक। और उसका मैं कुछ प्रोस एंड कॉन्स नोट डाउन कर चुका हूँ, तो अब हम डिटेल्स इसमें बात करते हैं। सबसे पहली बात आते हैं हमारे इसके साउंड क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी बेस्ट है, बास को आप हाई नहीं बोल सकते, बट जितने गाने में ज़रूरत है उतना बास ये प्रोड्यूस करता है। और कॉल क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है, SD कॉल क्वालिटी होती है, आपको कनेक्टिविटी का कुछ भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और अगर अभी बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, अब इसे देख सकते हैं। इसका जो मैग्नेटिक लॉक दिया गया है ये काफ़ी शानदार है, जब यूज़ नहीं होता तो इसको होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और सारे कंट्रोल्स अपने हाथ के पास में ही रहता है, इसलिए कोई भी परेशानी नहीं होता, चाहे आप ड्राइविंग करते हो, वॉकिंग करते हो या स्पोर्ट्समैन हो। कान में आप इसका कान में फिटिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ही फिटिंग हो जाता है और साउंड क्वालिटी कॉल क्वालिटी दोनों बेहतरीन आते हैं। और अगर अब हम रैंकिंग का बात करें तो साउंड क्वालिटी में इसको 8 out of 10, बिल्ड क्वालिटी में 9 out of 10, मेरे तरफ से ये बेस्ट बाय है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।